स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपनी पेंडिंग वर्कशीट जो थी 3.1, एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 8 ये अपने क्वेश्चन नंबर अभी तक पेंडिंग थे। अब पेंडिंग क्यों थे उसका रीज़न भी 8th क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लेकिन के की वैल्यू आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब क्वेश्चन के साथ उसकी कंडीशन दी होगी, और कंडीशन इन क्वेश्चन में चलती है 3। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन थी फॉर द वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन के लिए आ जाए या यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर्मूला इसका मैंने यूज़ करवाया था आपको, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा इसमें। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। जबकि सेकंड था फॉर द नो सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन नो सॉल्यूशन, ये चीज़ मेन ध्यान से देख लेना। इसके लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया था a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। लेकिन जब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू के लिए हमें फर्स्ट 2 कंडीशन का यूज़ ही करना होता है, थर्ड कंडीशन को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, स्पेशली ये चीज़ ज़रूरी है। थर्ड इसमें से होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जब थर्ड कंडीशन हम यूज़ करते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसके अंदर फॉर्मूला लिखवाया था आपको a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ऑल द 3 रेशो सेम होती है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे इन दोनों को इक्वल में यूज़ करो, चाहे इन दोनों को इक्वल में यूज़ करो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को इक्वल में यूज़ करो, हर जगह आपका आंसर सेम आएगा और 100% करेक्ट। अब इसी तरह से हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें से अपनी एक्सरसाइज 3.1 में से है, क्वेश्चन नंबर 4th, पार्ट नंबर इज फर्स्ट, k-3 × x + 3y = k। इसी तरह से kx + ky = 12, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बट क्वेश्चन की कंडीशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले अपना फॉर्मूला यूज़ करोगे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 के लिए। a1 की वैल्यू के लिए चेक करते हैं तो k-3, जबकि a2 की वैल्यू है k। ये अपने लिए वही चीज़ है, a1, ये b1, ये a2 और ये b2 के लिए। इसी तरह से इज इक्वल टू 3 by k, k नीचे का नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ये नॉट इक्वल का सिंबल रहेगा यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। -3 इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे, +3 हो जाएगा, यानी कि k नॉट इक्वल टू 6। इसमें एक चीज़ और है, वन सॉल्यूशन वाले में आंसर के अंदर नॉट इक्वल का सिंबल आएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया 5th, पार्ट नंबर इज ए, kx + 2y = 1, और सेकंड इक्वेशन है 5x - 3y = -2, k की वैल्यू ही इसमें फाइंड आउट करनी है। जबकि क्वेश्चन के लिए जो कंडीशंस है, इफ़ द इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला तो हम यही लिखते हैं, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। और मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि आप यूज़ सिर्फ इन दोनों का करोगे, जैसे कि a1 की वैल्यू के लिए है k, a2 की वैल्यू क्या है 5, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो वो है 2, और b2 की वैल्यू है हमारे पास -3। यहाँ से हम करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि k = 10, 5 to the 10 बाई -3, -3 को ऊपर कर दो चाहे ऐसे माइनस के सिंबल को, सॉरी, तो k की वैल्यू आ जाएगी -10/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से हम यूज़ करें, 6th क्वेश्चन, पार्ट नंबर इज ए, kx - y = 2, 6x - 2y = 3। बट इसमें 2 कंडीशंस है k की वैल्यू के लिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर है यूनिक सॉल्यूशन, जबकि सेकंड पार्ट के अंदर है नो सॉल्यूशन। पहले हम करें अपना फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर कंडीशन में क्या था कि फॉर द यूनिक सॉल्यूशन के लिए था a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, इस फॉर्मूले का यूज़। a1 की वैल्यू देखते हैं, b1 की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, ये a2 और ये b2, तो इसके वैल्यू के लिए अगर हम देखते हैं, a1 के लिए k बाय a2 यानी कि 6 इज इक्वल टू b1 के लिए -1, b2 के लिए -2, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 × 1 = 6 यहाँ आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू 6/2 यानी कि इसमें आंसर आएगा k नॉट इक्वल टू 3 फर्स्ट पार्ट के अंदर। और फिर हम अपना सेकंड पार्ट यूज़ करते हैं, तो सेकंड पार्ट था फॉर द नो सॉल्यूशन के अंदर, एक तरह से इस क्वेश्चन में हम देखें तो 4th और 5th क्वेश्चन रिवाइज हो जाता है।
नो सॉल्यूशन के अंदर क्या था कि ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। जो यूज़ हमने करना है वो फर्स्ट टू का यूज़ ही होगा। ए वन की वैल्यू के लिए अगर चेक करते हैं तो के बाय सिक्स इसमें इज इक्वल टू का सिंबल रहेगा, बी वन की वैल्यू माइनस वन और उसके लिए माइनस टू, ये माइनस से माइनस कैंसल, के की वैल्यू आ जाएगी सिक्स बाय टू यानी कि के इज इक्वल टू आंसर आएगा थ्री। सिंपल क्वेश्चन चलेंगे, इजी, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट इसमें से हम ले रहे हैं आगे सेवन्थ क्वेश्चन में बी, बी का भी आगे सेकंड पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए है एक्स प्लस के प्लस वन वाई इज इक्वल टू फाइव। सेकंड इक्वेशन है के प्लस वन एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू एट के माइनस वन। इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जबकि इसके लिए है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशंस हम यूज़ करते हैं ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि चाहे इन तीनों रेशो इज इक्वल होती हैं, के की वैल्यू के लिए आप फर्स्ट टू को इक्वल में यूज़ करो, चाहे नेक्स्ट टू को यूज़ करो, चाहे फर्स्ट और थर्ड रेशो का यूज़ करो इक्वल में, हर जगह से आंसर सेम आएगा। जैसे ए वन की वैल्यू इसमें से है वन, इसी में से देखते हैं तो डिवाइडेड बाय मैंने यूज़ कर दिया के प्लस वन इज इक्वल टू इधर से के प्लस वन डिवाइडेड बाय नाइन इज इक्वल टू इसी में से देखते हैं तो फाइव डिवाइडेड बाय एट के माइनस वन। अब चाहे इन दोनों को इक्वल में यूज़ करो, चाहे इन दोनों को इक्वल में यूज़ करो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को इक्वल में यूज़ करो, हर जगह से क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को इक्वल में यूज़ किया, जैसे वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन बाय नाइन, तो भी हमारा आंसर वही सेम आएगा। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल में यूज़ कर दिया, जैसे के प्लस वन बाय नाइन इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाय एट के माइनस वन, तो भी हमारा आंसर वही सेम आएगा। अगर मेरे को ये लगता है कि मेरी मल्टीप्लाई थोड़ी सी कम बनेगी, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल में यूज़ करता हूँ फाइव डिवाइडेड बाय एट के माइनस वन, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एट के माइनस वन इज इक्वल टू फाइव के प्लस फाइव, तो एट के फाइव के इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, तो वन उधर जाकर पॉजिटिव के लिए कर दिया यानी कि थ्री के इज इक्वल टू सिक्स, के लिए सिक्स बाय थ्री यानी कि के की वैल्यू टू। अगर मैं फर्स्ट टू का यूज़ करता तो भी मेरी के की वैल्यू टू ही आनी थी, अगर इन दोनों का यूज़ करता तो भी मेरी के की वैल्यू टू ही आएगी, फिर मैंने फर्स्ट और थर्ड का यूज़ किया तो भी के की वैल्यू टू ही आई है। अब एट्थ क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंथी बनेगा, यहाँ से होता है कि मैंने लास्ट के अंदर क्यों करवाया, क्योंकि इसमें टू कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, जैसे कि हमने अब फाइंड आउट करना है ए बी करना है एंड बी टू कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इसमें इक्वेशंस बनती है, जब इक्वेशंस बन जाती है तो उनको सोल्व करोगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो वो मेथड करवाने के लिए भी पहले मेथड अपने हो जाए फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इसलिए लेट करवाया था। अब जैसे लेकिन कंडीशन इसमें है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू एंड इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो ए वन की वैल्यू हमारे पास है टू, ए टू की वैल्यू के लिए ए माइनस बी इज इक्वल टू बी वन के लिए थ्री, बी टू के लिए है ए प्लस बी, सी वन के लिए सेवन और सी टू के लिए है थ्री ए प्लस बी माइनस सेवन, ये हमने यूज़ किया इसमें से। इन दोनों को इक्वल में यूज़ करो एक इक्वेशन बन जाएगी, जब इनको इक्वल में यूज़ करोगे आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब जैसे मैंने लिखा टू डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यहाँ से कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बनेगा थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू टू ए प्लस बी, तो थ्री ए माइनस थ्री बी, टू ए इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, बी भी इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू में रहेगी जीरो, तो थ्री ए में से टू ए माइनस करोगे तो ओनली फोर ए माइनस फोर बी हो जाएगा एंड इज इक्वल टू जीरो, ये अपने लिए बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ से स्टार्टिंग से कि अगर हम इन दोनों को इक्वल में यूज़ करते, जैसे थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन डिवाइडेड बाय थ्री ए प्लस बी माइनस सेवन को, यहाँ से हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो थ्री थ्री दा नाइन ए प्लस थ्री बी माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू सेवन ए प्लस सेवन बी, ये हमने यूज़ किया इसमें से सेवन ए प्लस सेवन बी। फिर इन दोनों को इधर ले आओ, जैसे नाइन ए प्लस थ्री बी, सेवन ए इधर आकर माइनस का हो गया, सेवन बी भी इधर आकर माइनस का हो गया, ट्वेंटी वन उधर जाकर पॉजिटिव का,
तो 7a में से 9a में से 7a माइनस करोगे 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 21। ये अपने लिए सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे इजी एलिमिनेशन था, इसका क्वेश्चन 2 है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इसका क्वेश्चन 1 है तो सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 2a माइनस 4 टू द 8b इज इक्वल टू 0। ये अपने लिए बन गई थर्ड इक्वेशन। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम 2a माइनस 4b एंड इज इक्वल टू 21। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद आगे आपको पता ही है कि सिंबल वगैरह चेंज वगैरह करके हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आगे सॉल्व करने का मेथड अपने लिए वही सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला इसमें से आगे। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करना है वो आप खुद करोगे। यानी कि इक्वेशंस बनाने तक के लिए हमने वर्क कर दिया, आगे इक्वेशंस बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और करने का जो मेथड है वही अपना सेम रहेगा पहले के जैसे। और इजी क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए। अगर इसी क्वेश्चन में देखोगे हो सकता है मेरे से इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी, अपनी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सेट कर लेना। कभी इन्हीं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर ही तुम डिपेंड रहते हो। जैसे यहाँ पर 3a + 3b के लिए था, तो सारी जो स्टेटमेंट है वो अपने आप सेट करते रहोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।